आप ये देखिए, हम लोग ने जो फालूदा बनाया है बहुत ही बढ़िया बना है। इसकी जो सेव है या फिर जो सेमियाँ होती है ना, वो भी घर में ही बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे फालूदा। गर्मी अपनी पूरी फुल सीज़न में आई हुई है। आज हम लोग एक नहीं दो तरीके के फालूदा बनाएंगे, और जैसे मैंने कहा, इसकी सेमियाँ भी घर पर ही बनाएंगे। ये जो रेसिपी है मैंने लगभग 5 साल पहले अपलोड करी थी और बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है। वो कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सीज़न में मास्टर शेफ़ में एक कंटेस्टेंट ने भी ये रेसिपी बनाई थी और जजेस ने बहुत तारीफ़ करी थी इसकी। मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। तो आप भी ट्राई करिएगा ये रेसिपी को। अभी के लिए रेसिपी शुरू करते हैं। दो तरीके के फालूदा बनाएंगे सेब के साथ। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हम लोग फालूदा की सेमियाँ बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल लिया है। इसमें मैं आधा कप कॉर्नफ्लावर ले लूँगा। आप इसकी जगह अरारोट भी ले सकते हो। कॉर्नफ्लावर से अपनी जो सेमिया है ना, बहुत फटाफट बन जाएगी दोस्तों। मैं उसी के साथ में चीनी भी ले रहा हूँ, क्योंकि सेमिया वरना बहुत फीकी हो जाएगी। मैंने 2 बड़े चम्मच के आसपास चीनी ली है। एक बार उसको मैं मिक्स कर देता हूँ और फिर हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे। शुरू में मैं आधा कप डाल रहा हूँ, इसको मिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग इसमें और डालेंगे। अगर मैं आपको बर्तन के हिसाब से बताऊँ, तो आप कोई भी बर्तन से कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट नाप सकते हो। उससे 2.5 गुना आपको पानी इस्तेमाल करना है। तो लीजिए, मैंने आधा कप पानी इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, फिर से इसमें 1.25 कप पानी डाल देता हूँ, मतलब 1/2 कप और 1/4 कप और। तो टोटल में हम लोग ने इसमें 1.25 कप पानी डाल दिया है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर देता हूँ। आप देखिए, एक भी गुठली नहीं बनी है। आपका जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ना, बिल्कुल ऐसे पानी जैसी होनी चाहिए। ये तो तैयार है। फालूदा बनाने में हम लोग को सब्जा भी लगेगा, मतलब तुपमारिया भी लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास सब्जा है या फिर तुलसी के बीज है। इसको मैं पानी में भिजा देता हूँ। 15 से 20 मिनट में ये भी फूल कर तैयार हो जाएगी, और तब तक हम लोग की जो फालूदा की सेव है या फिर सेमिया है, वो भी रेडी हो जाएगी। अब दोस्तों, हम लोग ने बैटर तो बना लिया है सेमिया का, उसको निकालेंगे कैसे? मतलब वो गरम गरम रहेगी ना, उसको जमाने के लिए हम लोग को ठंडा पानी लगेगा। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सारा बर्तन लिया है, इसमें मैं आइस डाल देता हूँ बहुत सारी। ये जो पानी हम लोग को लगेगा ना, एकदम आइस कोल्ड रहना चाहिए, क्योंकि जो सेमिया का जो बैटर रहेगा ना, वो बहुत गर्म रहेगा। तो आइस के साथ ही में मैंने यहाँ पर है ना 0.5 लीटर के आसपास पानी भी डाल दिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख देता हूँ 10-15 मिनट के लिए। तब तक मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास भुजिया मेकर है या फिर सेव मेकर है। इससे हम लोग आज अपनी सेमिया बनाएंगे। बहुत ही इजीली तरीके से मिल जाता है ये मार्केट में। इसको मुरकू मेकर भी बोलते हैं। इसके अलग अलग प्लेट रहते हैं ना दोस्तों, वही चीज़ है। अगर ये नहीं है आपके पास अवेलेबल, और आपके पास अगर कपड़े की पाइपिंग बैग है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्लास्टिक की मत करिएगा, क्योंकि आपका बैटर बहुत गर्म रहता है। अब दोस्तों, जाते अपनी सेमियाँ बनाने में, तो मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक बर्तन गरम किया है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि नॉनस्टिक इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत चिपकता है, स्पेशली शुरू में जब ये बनना स्टार्ट होता है। वैसे आप रेगुलर एल्यूमिनियम या फिर स्टील में भी बना पाओगे। ये सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम लोग इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल वैसलिन जैसा हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब क्या, आप देखिएगा, पूरा एकदम थिक और वैसलिन जैसा दिखने लग जाएगा। मैंने यहाँ पर सिलिकॉन की स्पैचुला इस्तेमाल करी है। इससे ये निकालने का प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। मेरा बोलने का मतलब क्या कि ये है ना, चिपकता है ना बारी बार, तो उसको निकालने का प्रोसेस इजी हो जाता है। वैसे मैं प्रीफर नहीं करता हूँ ज़्यादा ये सिलिकॉन या फिर रबर की चम्मच इस्तेमाल करने की, क्योंकि गर्म चीज़ों के साथ सही नहीं रहता है। तो मैंने मीडियम फ्लेम में इसको लगभग 3 मिनट के आसपास पकाया। आप देख सकते हो कैसे ये बिल्कुल थिक हो चुका है, लेकिन हल्का सा दूध जैसा दिख रहा है, मतलब वाइट कलर का दिख रहा है। इसको अगर हम लोग 2 मिनट और पकाएंगे, तो इसका कलर हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने लग जाएगा, और फिर ये एक साथ आने लग जाएगा। आप देख सकते हो कैसे ये बिल्कुल वैसलिन जैसा हो चुका है, एकदम थिक हो चुका है, और साथ ही में एक साथ आने लग गया, चम्मच के साथ घूम रहा है बिल्कुल। तो ये रेडी है। अब मैं गैस को बंद कर देता हूँ, और फिर हम लोग इसको गर्मा गर्म अपने भुजिया मेकर में डाल लेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास ये अभी भुजिया मेकर अवेलेबल नहीं है, तो आप कपड़े वाले पाइपिंग बैग भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो हम लोग केक बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये रेडी है दोस्तों। अब मैं इसमें ऊपर का ढक्कन लगा लेता हूँ। सावधानी से करिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्म हो सकता है कोने से। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना जो ठंडा पानी है ना, उसमें अपनी भुजिया या फिर अपनी सेमिया निकाल लेंगे।
अगर आपने आपका बैटर को सही तरीके से पकाया था, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह, तो आपकी सेमिया बिल्कुल ऐसे बन जाएगी। अगर वो कच्ची रहती है थोड़ी सी, तो वो घुल जाती है पानी में जाने के बाद, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सेमिया बनी हम लोग की, फालूदा वाली या फिर सेव बनी है। अब हम लोग इसको खोलकर जो बचा हुआ बैटर है वो भी इसमें डालकर बना लेते हैं फिर से। एक चीज़ अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको फटाफट बनाओगे ना, तो आपका बैटर भी ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो एकदम आराम से पेशेंटली इसको बनाइएगा। तो लीजिए दोस्तों, मैंने फिर से इसको भर लिया है और मैं फिर से इसमें से अपनी भुजिया या फिर अपनी सेमिया निकाल रहा हूँ फालूदा की। ये जो बैटर है या फिर ये जो रेसिपी है ना, इससे आप 3 फालूदा आराम से बना पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी ज़्यादा ठंडा नहीं है अभी, तो आप और पानी डाल लीजिएगा और हम लोग की जो सेमिया है या फिर सेव है वो रेडी हो जाएगी। इंस्टेंटली रेडी हो जाती है दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बनी है कि नहीं। मैं क्या प्रीफर करता हूँ कि इसको अगर आप 15-20 मिनट ऐसे ही रहने दो तो इसका टेक्स्चर और बढ़िया लगता है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, अपने फालूदा की बाकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपना ग्लास लिया है, इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना रोज़ वाला बना लूँगा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। मैंने यहाँ पर रूह अफ़ज़ा लिया है दोस्तों, मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच रूह अफ़ज़ा ले रहा हूँ। उसी के साथ में हल्के से नट्स ले रहा हूँ, इसमें काजू बादाम और पिस्ता है। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे हम लोग के सब्जा के बीज। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो सब्जा के बीज है ना, बहुत पानी पकड़ कर रखते हैं, तो आप अगर इसको छान लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के आसपास सब्जा के बीज डाल रहा हूँ। उसके बाद हम लोग इसमें दूध डाल देंगे। यहाँ पर मैंने आधा ग्लास फिल कर लिया है दूध के साथ। ये अपना रोज़ मिल्क रेडी हो चुका है। आप चाहो तो इसमें चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन रूह अफ़ज़ा बहुत मीठा होता है, उसी रीज़न की वजह से मैंने अभी इसमें चीनी नहीं डाली है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो सेमिया है या फिर जो सेव है ना, वो इसमें डाल देंगे ऊपर की तरफ। फिर से मैं इसमें अपने नट्स रिपीट करूँगा। ये ज़्यादा रॉयल वाला नहीं है क्योंकि हम लोग इसमें कुल्फ़ी नहीं डाल रहे दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारे नट्स डाले, मतलब काजू बादाम और पिस्ता। उसी के साथ में मैंने यहाँ पर टूटी फ्रूटी भी डाली है, लाल और हरी वाली। आप चाहो तो जली भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे को इसमें अंगूर बहुत पसंद है, तो मैंने अंगूर को आधा आधा काट लिया था और फिर मैं अभी इसमें अंगूर डाल रहा हूँ। और फाइनली मैं इसमें एक आइसक्रीम का स्कूप रख दूंगा। आपके पास अगर घर में अभी कुल्फ़ी या फिर रबड़ी अवेलेबल है तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, आप वो भी इसमें डालिएगा। गार्निशिंग कर लेते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ। मैं इसमें अभी हल्के से नट्स और हल्का सा रूह अफ़ज़ा डाल रहा हूँ और फिर हम लोग का जो ये फालूदा है रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें एक चेरी भी रख सकते हो। तो रोज़ वाला फालूदा तो रेडी है हम लोग का। सिमिलरली मैं आपको है ना मैंगो फालूदा भी बनाकर दिखाता हूँ अभी। रेसिपी बहुत सिंपल और इजी है दोस्तों, हम लोग ने डिफ़िकल्ट पार्ट तो कर ही लिया सेमिया बनाकर। मैंने यहाँ पर एक ग्लास में दूध फिल कर लिया है, आधा से कम फिल किया दोस्तों। अब मैं इसमें पिसा हुआ आम डाल देता हूँ। मैंने एक आम को मिक्सी में चला लिया था, सारा नहीं डालूँगा, 2-3 चम्मच इसमें डालकर मिक्स कर लूँगा। इसमें मैंने चीनी भी मिलाई है दोस्तों, लेकिन वो कैमरा के पीछे मिला दी भूल से। आप भी इसमें 1 चम्मच चीनी मिला लीजिएगा और फिर ये रेडी हो जाएगा। इसी के साथ में हम लोग इसमें 2 बड़े चम्मच के आसपास अपना जो सब्जा है वो डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह फिल करेंगे हम लोग की सेमिया के साथ। अब ऊपर की तरफ हम लोग इसमें बहुत सारे कटे हुए आम डालेंगे क्योंकि आम की सीज़न है, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। जो फ्रूट सीज़न में हो वो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों। मैं इसको अच्छी तरह फिल कर दिया हूँ आम के साथ। अब हम लोग इसमें फिर से हल्के से नट्स डाल देंगे। फाइनली मेरे पास यहाँ पर ये मैंगो आइसक्रीम अवेलेबल है क्योंकि मैंने ये 4 दिन पहले बनाई थी, तो मैं इसमें अभी ये रख देता हूँ और फिर हम लोग का ये जो मैंगो फालूदा है वो भी रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने रोज़ वाले के लिए कहा था, अगर इसमें 1 चम्मच वो कुल्फ़ी हो जाती या फिर रबड़ी हो जाती तो कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। स्पेशली जो हम लोग ने ये जो सेमिया बनाई है ना, उसका टेस्ट बहुत ही यम्मी आता है इसमें। आप भी ट्राई करिएगा, रेसिपी बहुत मज़ेदार है। तो दोस्तों ये थी भाई मेरी फालूदा की रेसिपी, आप भी ट्राई करिएगा। मैंने इसमें सेव भी आपको घर में ही बनाकर दिखाई, ऐसा नहीं है कि पैकेट खोलकर दिखाया। तो आप भी ट्राई करके नीचे कमेंट करिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा या फिर क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं आने वाले वीडियोस और बेटर बना पाऊँ। मिलता हूँ जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक बटन क्लिक कर दीजिएगा, लाइक बटन तो आप अपने प्यार से कर ही दोगे अगर आपको ये अच्छा लगा तो। मिलता हूँ जल्दी एक और वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।